बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित उल्टन के ग्रामीणों ने किया कलेक्ट्रेट का घेरा। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित उल्टन गांव में लोगों की जमीन एवं उनके मकान का सही सर्वे न करने पर नाराज किसानों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपर कलेक्टर को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मांग है कि धारा 11 एवं धारा 19 के तहत जमीन एवं मकान का जो सर्वे किया गया वो सर्वे फिर से करवाया जाए, क्योंकि जो प्रशासन द्वारा नोटिस दिए गए जिसमें मकानों में धारा 19 के तहत वर्ष 2021 में जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका था उसे प्रशासन द्वारा अपने जीवन यापन के लिए 6,36,000 रूपये की राशि दिए जानी थी, लेकिन प्रशासन और भू अर्जन अधिकारी की लापरवाही से धारा 19 का सही से सर्वे नहीं किया गया और कई लोग आज भी वंचित थे। हैरानी की बात तो यह है, ये तब हुआ जब लोगों के पास इसका नोटिस पहुंचा तो लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने आज ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सैकड़ों ग्रामीणों की तादाद में लोग पहुंचे और अपनी बात रखी, जिसमें उनका कहना है कि हम लोग कई बार एसडीएम को इसके संबंध में शिकायत भी कर चुके, लेकिन उनके द्वारा कलेक्टर साहब से मिलने का कह दिया जाता है और जब कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो एसडीएम साहब से मिलने के लिए कह दिया जाता है, जिससे हम लोगों की आज तक समस्या का निदान नहीं हो पाया। और सरपंच ने कहा कि यदि 5 दिन में सही से सर्वे नहीं किया जाएगा तो मैं कुछ ही दिनों बाद आत्मदाह कर लूंगा। खास बात तो तब ये हो गई जब नवनिर्वाचित सरपंच को ही उस गांव का अस्थायी निवासी प्रशासन ने नोटिस में कर दिया, जबकि ग्रामीणों ने सागर के प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया और धरने पर बैठे हुए। जब इस संबंध में अपर कलेक्टर का कहना है कि जो भी ग्रामीणों की समस्या है उसके लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं और जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आप लोग यहाँ पर आए, हम बंडा बराज परियोजना के अंतर्गत जो डैम बनाया जा रहा है उल्टन में, उसमें हमारे ग्राम के जितने भी किसान हैं सब साथ मिलकर आए हैं। हमारी एक नहीं हजार मांगे हैं, तो हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापन के हिसाब से अपन जो आवेदन देते हैं उसको आवेदन को लिया जाता है और कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। अब तक जितने भी ज्ञापन दिए गए आश्वासन दिया है ना कि उसको समझ दिया गया है, यहाँ तक कि माननीय ने भी अभी अभी दिया है उसका भी यही हाल है, उन्होंने किए दिया है कि ये सब एसडीएम साहब के यहाँ होगा। मुख्य मांगे क्या है आप? मुख्य मांगे यहाँ यह है कि जो वास्तविक यहाँ के निवासी हैं जो उनको अस्थायी कर दिया है उसके लिए स्थायी करने के लिए ज्ञापन दिया है। कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? जन्म निवास जन्म से ही है, जब से दुनिया आती है जब से वोट आती है। वर्तमान में हम सरपंच हैं और हमारे लिए भी अस्थाई दर्शाया है, हमारे लिए नहीं हमारे पिताजी के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारे दादा के लिए। और ये लोग हैं इनसे पूछिए इनकी क्या है दशा हो रही है, आने के लिए मजबूर है। तो हमने नाम उल्टन ग्राम के निवासी, एक्चुअली उल्टन बांध स्थापन में लोगों के लिए नोटिस पड़ रहा है, जिसमें इन्होंने 2018 की गाइडलाइन उठा के 2021 हम लोगों को जो स्टे लगाया हुआ था वहाँ की ग्राम की जमीनों में कि आप 2018 के बाद से उसको बेच नहीं सकते, ना खरीद सकते हैं, ना उसका कुछ कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते। अब एक्चुअली इसमें धारा होती है कुछ 11 धारा होती है, कुछ 19 होती है, जो भी धाराएं होती हैं तो इन्होंने लगा दी थी वहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो मुआवजा राशि हम लोगों को वितरित की जा रही है वो 2021 के मुताबिक की जा रही है, जबकि जो इन्होंने स्टे लगाया हुआ था वो 2018 से स्टे लगाया हुआ था। अब इसके बाद नया नियम इन्होंने जारी किया हुआ है जिसमें इन्होंने बोला हुआ है कि जो 2018 में उसके 2018 के 3 वर्ष पश्चात जो लोग 18 वर्ष के हो चुके थे, मतलब तो सन 2015 में जो 18 वर्ष के हो गए थे जिनका 1997 में जन्म होना चाहिए या उसके पहले, तो उन व्यक्तियों को ही केवल 6,36,000 रुपये की पुनर्विस्थापन के लिए राशि दी जाएगी, और वो भी उनके कुटुंब के लिए पर व्यक्ति के हिसाब से नहीं। हम लोग के अगर जैसे मैं हूँ आज मेरा 1992 का जन्म है और 1992 में पैदा हुआ हूँ, मेरे अभी शादी हुई है और मेरे बच्चे हैं, तो मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें, और मेरे को अस्थाई कर दिया है। आप क्या चाहते? हम लोग कुछ नहीं चाहते कि जो सच है जो सत्य है जो आप खुद अपने नियम में बता रहे हैं कि भाई ये हम जैसे हम वहाँ के निवासी हैं, हमारे जो परिवार के अब उल्टन के ग्राम के जो सरपंच महोदय हैं उनको भी उन्होंने अस्थाई निवास बना दिया, ये क्या है भाई? लोगों के दादाशाही है ये, लोगों के ऑपरेटर लोकल ऑपरेटर बिठा के उनको अस्थाई क्लिक करके दे रहे हैं। उसके बाद अब जब जो जिसको स्थाई करवाना है
उसके लिए करीब उन्होंने 50 पेज का एक वो मांगा है, लेटर पीछे लगा के दिया हुआ है, उसमें 12 बिंदु दिए हुए हैं। 12 बिंदुओं में उन्होंने बताया हुआ है कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आइए। अब उन्होंने बोल दिया कि जो परिचय पत्र होता है उसको वो मान्य नहीं कर रहे हैं, वोटर लिस्ट लेके आइए। तो भाई 2014 की वोटर लिस्ट जनपद पंचायत बंडा में अभी उपलब्ध नहीं है। कल मैं गया था वहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं थी, मेरे मित्र से यहाँ वहाँ पे बात हुई किसी से तो बोले उपलब्ध नहीं है। तो हम 2014 की वोटर लिस्ट कहाँ से उठा के लाएं या 2015 की वोटर लिस्ट कहाँ से उठा के लाएं। हम लोगों की मांग कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, हम लोगों की मांग ये है कि आप जो 2018 के हिसाब से आप जो लिस्ट लगाया हुआ था उसके हिसाब से ही हम लोगों को मुआवजा राशि वितरण करें। और दूसरी बात, जो 2000 अभी अगर आप 21 के हिसाब से कर रहे हैं, मैंने मान लिया 21 के हिसाब से कर रहे हैं, तो आप 21 के हिसाब से ही जो 18 वर्ष के व्यक्ति हो चुके हैं 2021 तक, उन लोगों के लिए भी आप इसका पुनर्विस्थापन का 6,36,000 रुपए उनके जीवन यापन करने के लिए देना चाहिए उनके लिए। देखिए वर्तमान प्रशासन की जो नीतियाँ हैं वो डलहौजी वाली हो गई हैं, हड़प नीति हो गई है। उल्दन बांध के अंतर्गत जितने भी अन्नदाता किसान हैं, चाहे कुल्ले पिपरिया उल्दन बहरोल, सारे अन्नदाता किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। कितना प्रताड़ित किया जा रहा है कि अंग्रेजों के कार्यकाल का हम लोगों को थोड़ा सा आभास होने लगा है। हम लोग लगातार 2018 से अपने उल्दन बांध में जो भी समस्या, मूलभूत समस्याएँ हैं, आपने 50% असंचित जो भूमि कर दी, उसके बाद आपने लगभग अभी उल्दन बांध के लिए जो नोटिस आए थे उल्दन गांव के लिए, उसमें 70% घर आपने अस्थाई घोषित कर दिए। आप ये मान के चलिए वर्तमान सरपंच का घर अस्थाई घोषित कर दिया। उसके बाद 2018 की उम्र के जिन लोग बच्चों को, युवाओं को अपने भरण पोषण के लिए, अपने भविष्य निर्वाहन करने के लिए 6,76,000 जो सरक रही थी उसमें भी कटौती, वो भी नहीं। लोग लगातार प्रकार डीएम साहब जाते हैं तो वो बोलते कलेक्टर साहब के जाओ, कलेक्टर साहब के पास आ बोलती है, SDM साहब के पास कहाँ अन्नदाता का सर। आप भाजपा का सदस्य, आप सरकार है, आप क्या उपाय कर रही है। वर्तमान में हम जी IT के वर्तमान में जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं, पर सरकार ने नीतियाँ बनाई हैं अन्य किसानों को प्रताड़ने की वर्तना करता हूँ, उसका खुला विरोध करता हूँ। जो वर्ष सरकार नीतियाँ हैं वो अन्नदाता किसान के खिलाफ में है, उल्दन बांध अन्नदाता किसान के खिलाफ में, जितने सरकार ने जितनी नीतियाँ बनाए हैं हित में ने। अभी हम अभी निर्दलीय हैं श्रीमान जी, अपने फोरम पर ये बात है। लगभग 2018 किसान पंडा विधान की समस्या के साथ सम्मान SDM साहब की, कलेक्टर साहब की, हर जगह जाते हैं। क्या आसन मिला? सिर्फ आसन के अलावा कुछ नहीं है। वर्तमान में अपर कलेक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा नियमों का संधारण SDM साहब करेंगे, तो ये बनाया गया आपका कलेक्टर है या कलेक्टर, जब आप उनका संधारण या उनका समाधान जनता का नहीं, आप हमसे कह रहे हमारी सी टीम गई थी SDM से बात हुई आपकी, जब SDM साहब होगी लगातार साहब से पूरी कह रहा है, कह रहे हैं आपके नियम आदेश है, SDM साहब के पास जाओ तो कलेक्टर के पास आदेश है, कलेक्टर साहब बोलते हैं कि SDM साहब के पास वो पास पूरे नियम में समाधान कैसे निकलेगा, समाधान कैसे लोग बाहर जनता पर करें क्या, हम लोग में नहीं आ रहा है, कोई भी अधिकारी सुनने तैयार नहीं है, सब हिंद टाइप का जनता जनता मिलो ना। कलेक्टर साहब से कई बार मिल चुके हैं, कलेक्टर साहब ने राशन दिए हैं जबकि धरा आज तक कुछ नहीं। आप देखो धरते कैसे निकले, हमें आज तक हम जनता जनार्दन इस परेशान है। अन्य भूपेंद्र भैया गए थे, कहा था एक बार आपके उल्दन में आएंगे, जिला के पास गए थे वो कलेक्टर से बात की थी, मतलब नियमों का कोई समझ में नहीं। बिल्कुल गुमराह कर रहा है जनता को, उल्दन बांध की जनता को, किसान को लूटने के चक्कर में है प्रशासन। सिर्फ बंडा ब्रैज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उल्दन गांव के लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आए थे, किस पे सैकड़ आए थे? जो दशान सिंचाई परियोजना है उसमें उल्दन गांव प्रभावित हो रहा है, वहाँ के अधिकारियों को नोटिस दिए गए थे और SDM सुनवाई डेट तय की, उन्हें शंका थी कि उनको टाइम कम दिया गया और सुनवाई ठीक से नहीं होगी, उनको बता दिया गया कि जो नियम से जो भी उनके इश्यूज हैं वो सब खुल जाएंगे और उन्हें यदि किसी को लगता है कि समय कम है सुनवाई का तो SDM द्वारा उन्हें समय दे दिया। अच्छा, क्या और जो कार्रवाई SDM के द्वारा जो आपने बताया उनको क्या किए
जो भी एक्ट के मुताबिक जो कार्रवाई निर्धारित है उनके द्वारा की जाएगी और हम सबकी मंशा यही रहती है कि लोगों को परेशान ना होना पड़े और जो शासन द्वारा जो कुछ उनके लिए निर्धारित मुआवजा वगैरह वो दिया जाए। जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं उनका कहना है कि हम लोगों को कागजों में अस्थायी निवासी बता दिया गया है जिससे हम लोग मुआवजा के लिए अपात्र हो गए हैं। ये जांच का विषय है, यदि उन्हें लगता है कि वो स्थायी हैं उनको अस्थे गलत लिख दिया गया है तो वो एस डी एम को अपना आवेदन देकर बता सकते हैं और उनके ऊपर जाँच कार्रवाई होगी।